कैराना लोकसभा क्षेत्र का गांव है लिलोन। कैराना लोकसभा क्षेत्र के गांव लिलोन में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है लोगों की राय, किसके नाम पर जनता करेगी वोट, क्या होंगे चुनावी मुद्दे, ये जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। बाबूजी क्या नाम है आपका? नाम आदेश कुमार। कौन से गांव के हो? लिलोन। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है जी। कैसे नजर से देख रहे गाँव में? गाँव में जो है 90% मोदी जी की है। क्यों? मोदी की रिश्ता तो काम वाम भी करे नहीं करे? काम कर रहे जी, उसके पीछे है। क्या काम हुए? इतना काम हो गया, गिनती नहीं है। बता दो एक आधा काम। अरे उतनता है उतनता काम ही काम करने लग रहा, कितना समय हो रहा, रोज मीडिया पर रहे, रोज न्यूज में रहे, इतना काम आज लोग का जो है किसी ने करी ही नहीं, जितने जो है मोदी ने कर दिए। अच्छा, सांसद जी भी आपके हैं, 5 साल हो चुके हैं, प्रदीप चौधरी से मिले आज तक? नहीं, प्रदीप चौधरी से नहीं मिले। तो जब आपने चेहरा नहीं देखा, और वो बीजेपी प्रत्याशी हैं? वो किसी को दे तो ये है वोट, वोट तो सही जा रही है। अच्छा, चेहरे से वोट दे रहे हैं मोदी को वोट जा के हाथ में। अच्छा, हसन परिवार की बेटी भी किरासन मैदान में है? गाँव में मुझे ज्यादा वोट 10%। तो अब की बार क्या करेंगे? बीजेपी। क्या नाम है भैया? बबलू। कौन से गांव के हो? लो। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है, तो कैसे देख रहे हैं चुनाव को? तो कमल का फूल दिख रहा है भाई। क्यों भाई? इसके जुड़े हुए पहले थी। कुछ काम वाम भी करे नहीं करे? काम करे। क्या काम करे? सड़क बनवाया, राम में 2-3 सड़क बनवाई थी। अच्छा, सांसद जी से मिले अपने? हाँ। कहाँ? अच्छा, दूसरे पक्ष से इकरासन भी है, तो उनका क्या है हिसाब? मारो तो क्या करोगे अब? कमल के फूल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह। अच्छा, कौन से गांव के? लिलोन के। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है जी। तो किस मुद्दे से देख रहे हैं इस चुनाव को? क्यों? हमारी मर्जी, हम तो बीजेपी के देंगे वोट हम मोदी की। क्या कारण हुआ ऐसा? बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम कर रहा, रोड बनवा रहा, सारे सुविधा मिल रही लोगों को, गुंडागर्दी नहीं है, खत्म होगी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो गुंडागर्दी की है। सांसद जी से मिले अपने? काम वाम करवाए? फिर किसे मिलेगी? जो वोट पड़ेगी बीजेपी की, मोदी के नाम पे पड़ेगी। क्या नाम है भाई साहब आपका? पंकज कुमार। अच्छा, कौन से गांव के हो? लिलोन। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है, तो किस नजरिए से देख रहे? बढ़िया नजरिया था देख रहे। क्या करोगे? भाजपा को देंगे वोट। क्यों, क्या करा भाजपा ने? वह हमारा नेता जा लिया उसमें। कौन? जैन चौधरी। अच्छा, जैन चौधरी चलेगा उसमें बीजेपी में? हाँ। नहीं तो क्या करते फिर? इसकी खिलाफत करते हम। क्यों? हाँ, मुखालफत करते इसकी। अच्छा, कोई फायदा भी हुआ जैसे मोदी सरकार में आपको? किसान है। हाँ, बहुत फायदा हो रहा। क्या क्या? बिजली है, बिजली ज्यादा चल रही है। अच्छा। हाँ, चोरी चकारी कम हो रही। तो क्या करेंगे अब की बार? फिर देंगे जैन पे, पीछे ही रहेंगे। क्या नाम है जी आपका? अनिल कुमार शर्मा। कौन से गांव के हो? लिलोन। अच्छा, जैसे लोकसभा का चुनाव है, तो कैसे देख रहे हैं चुनाव को? लोकसभा का अच्छा चुनाव है, जो कि मोदी ने बहुत काम कराया है यहाँ पे, सुख शांति है। और जो है प्रदीप चौधरी ने भी गाँव में बढ़िया काम कराया, नरम आदमी है, सड़क वगैरह गिरा पानी का दुख दुख के सब बात सुने हैं। अच्छा, और भी तो पार्टियां हैं, उन्हें क्यों नहीं? हमारा कोई मतलब नहीं, कोई आज तक आया तो है नहीं। और वाला है? और पार्टी वाला अभी तक आया तो है नहीं कोई। कांग्रेस तो कांग्रेस भी है, सपा भी है, इंडियन गठबंधन है नहीं यहाँ पे, बस जनार्दन। अच्छा, तो क्या करोगे अब? क्या कमल के वोट देंगे जी, पूरा गांव कमल के फूल को वोट देगा। बाबा जी क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, लोकसभा का चुनाव है, तो कैसे देख रहे हैं चुनाव? किसे क्या करोगे? क्यों? हमने आज तक जब से जिंदगी में पहली बार इकरासन को वोट दिया, भाजपा के दिखते आ रहे थे, तो समाधान नहीं मिला। क्या समाधान नहीं मिला?
काम पता जो कुछ नहीं मिला ना, ना कोई हमारा जीतेगा मरतेगा किसी चीज का कोई नेता है ना हमारे जीते मरते किसी को पता रहता किसी चीज का भी जी है मरे। सांसद जी से मिले अपने है? सांसद जी से मिले नहीं, हम नहीं मिले। 5 साल हो गए उन्हें आज तक कोई नहीं आया ही नहीं लो। तो नाराजगी है? हाँ नाराजगी है। तो क्या करोगे? हम इंदिरा सर को बोल रहे। क्या नाम है आपका? अच्छा कौन से गाँव के हो? कितनी उम्र होगी? होगी 60 साल हो गए। तो इलेक्शन में वोट देखे होंगे? हाँ। तो इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं लोकसभा के? अच्छा आपके गांव में घूमा मैं तो लोग बाग तो कह रहे कि है ना बहुत कार्य करवाए कुछ नहीं हुआ तो अन्य पार्टियां भी हैं तो क्या करोगे आप? क्या किसे बदलोगे? क्यों? हमारे पड़ोस की है युवा लड़की है बदलेगा तो देखना चाहिए सारी उम्र तो परिवर्तन है। क्या नाम है जी आपका? मंडल अध्यक्ष किसान मजदूर भारतीय संघ। अच्छा लोकसभा का चुनाव है और आप गांव लिलोन के रहने वाले हैं तो किस कैसे नजरिए से देखते हैं चुनाव को? चुनाव तो ठीक चल रहा है। क्या करोगे अब की बार? देखो खुल के तो नहीं बता सकते अब की बार क्या करेंगे लेकिन ये तो पता है कि पास सांसद तो दिखाई दिए नहीं क्षेत्र में। अच्छा तो कहीं ना कहीं विरोध है? विरोध बहुत ज्यादा है। तो क्या है आपके मूड? क्यों इकरा से नहीं? क्यों भाई पढ़ी लिखी लड़की है जनता से मिलती है जनता के दुख दर्द में उसके साथ रहती है। अच्छा मोदी सरकार में बहुत योजना चली क्या कोई मिली? नहीं हमें तो कोई मिली नहीं। तो न मिलेगी क्यों? हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस तरह का। अच्छा तो क्या मान के चलते हैं कि इस बार क्या होगा? इस बार केंद्र में तो आएगी मोदी सरकार लेकिन कह रहा ना पलटेगी बाजी। कौन पलटेगी बाजी? इकरा से। और जी क्या नाम है आपका? अच्छा कौन से गांव के रहने वाले हो आप? अच्छा लोकसभा का चुनाव है तो कैसे देख रहे हैं चुनाव को? क्या जी कैसे देख रहे हैं? कोई विकास कार्य हुए यहाँ? सांसद जी से मिले अपने? तो क्या करोगे अब की बार? क्या कराए किरण ने? कुछ भी ना करो दुख सुख में सबके साथ है। सांसद जी नहीं है? नहीं हमें तो आज वो दिख नहीं पड़ी। तो परिवर्तन करोगे? परिवर्तन अभी बात परिवर्तन। अच्छा मोदी जी ने भी योजनाएं बनाई बहुत सारी तो मिली कोई योजना का लाभ मिला? हमें तो कोई दिख नहीं रहा है फिलहाल। तो नाराजगी है पूरी। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु। अच्छा कौन से गाँव के हो? लिलोन से। अच्छा जैसे अभिमन्यु जी लोकसभा का चुनाव है तो किस नजरिए से देख रहे हैं चुनाव को? मोदी जी देख रहे हम क्या काम करे? काम तो सब बढ़िया ही कर रहे हैं गुंडागर्दी खत्म कर दी इलाके में है खेतों का नुकसान हो रहा है होने बंद हो गई बिल्कुल। तो जैसे आप कह रहे खेतों में नुकसान होने बंद हो गए सांसद जी से भी मिले अपनी एक बार भी? बस मैं तो जाते ही नहीं लोगों ने वोट दे रहे। फिर किसे दे रहे वोट? मोदी जी होगी को। अच्छा चेहरे को वोट दे रहे हैं आप। क्या नाम है बाबू जी आपका? अशोक। कौन से गांव के रहने वाले? लिलोन के। अच्छा लोकसभा का चुनाव है? हाँ जी। तो कैसे देख रहे हैं चुनाव को? बीजेपी का ही एजेंट की वजह से अंत में वोट नहीं मिले थे यहाँ जैन की वजह से मिल रही। तो किसान हो आप? हाँ जी। जैन की वजह से मिल रही? हाँ जी। क्यों जैन की वजह से क्यों मिल रही? जैन की वजह से जैन का ही है जैन की पहले सीट थी कबीर जैन की थी। अच्छा तो जैन तो पहले इकरा के साथ भी था इकरा था फिर होता वो ही वो जीतती तो कहीं जीतने की नहीं बगन जीतने की। क्यों इबका किसान जैन तो कट गया ना जाट तो जैन दे। अच्छा वो बीजेपी में चले गए आपके? हाँ। तो विकास कार्य भी हुए गांव में? नहीं विकास भी कुछ तो होया नहीं बस विकास को तो पाँच साल में ये बात आई विधायक जी तो जैन की वजह से जीत जाए जीतता था प्रदीप यहाँ था जयंत की वजह से वोट दोगे? हाँ जयंत की वजह से देंगे जयंत को दे रहे हैं मूसा कहाँ दे रहे
और मोदी की वजह से। ठीक, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अजय हसन है। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले आप? लीलोन गांव है मेरा। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है? हाँ है। तो किस नजरिए से देख रहे चुनाव को इसे? चुनाव तो लीलोन में देख रहे, महंगाई का काम है, महंगाई की कमर टूट दी, जो भी वादे करें बीजेपी ने वो पूरे नहीं करे। क्या वादे? वादे गन्ने का पेमेंट मारे, वादे में बहुत से रखे कुछ नहीं है। आपके सांसद जी भी हैं यहाँ, 5 साल हो चुके हैं मिले आप? हाँ, आज भी मिला भाई। तो क्या करोगे? क्या कहे, आज भी तो बढ़िया ही सांसद, पर आप तो किसी से मिलन भी नहीं। तो नाराजगी है? हाँ, सही तो नहीं आपका, लोग कभी काम बता दिए नहीं। तो क्या करोगे? देखें पार्टी तो बीजेपी की बढ़िया बहुत। हाँ, पर बढ़िया के काम की गलती काम नहीं करते। तो परिवर्तन करोगे? देखें, हाँ कोशिश करेंगे जो हो जाए। तो कोशिश में कौन है दूसरा भैया? ये मनोहर की लड़की, मनोहर हसन परिवार की। हाँ, परिवार की है। क्या नाम है जी आपका? चंद्रवीर सिंह। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले? लीलोन से। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है तो क्या करोगे? बीजेपी है जी, आप एक सरपा क्यों काम इतने करे? क्या क्या काम करा? मेरे हिसाब से तो भाई राम मंदिर का मुद्दा ले लो आप, और सभी को जैसा फ्री अनाज दे रहे, राशन से सभी को राशन भी दिया जा रहा, सड़कें भी हैं, और जैसा कि ये हैं ये सचिवालय हैं, ये बनवाए मकान बनवाए, क्या क्या चीज़ इन्होंने। सांसद जी से मिले अपने? हाँ, सांसद जी से मिले। गांव में कोई विकास कार्य? गांव में तो विकास कार्य चल ही रहा है, विकास कार्य तो हम तो मेरे हिसाब से कहीं कुछ ऐसा ही नहीं, जहाँ भी ना हो रहे हो और जहाँ कमी है तो वहाँ हो लग रहा है। दूसरा प्रत्याशी भी है मैदान में, एक राशन का यहाँ कहाँ पड़ता था होगा एक तक तक बीजेपी है यहाँ, जाट बिरादरी पूरी बीजेपी के साथ में है। कैसा क्या कारण बना जाट बिरादरी बीजेपी के साथ है? जैसा जयंत चौधरी है वे आ गए, तो जाट तो एक तरफा हो ही गए, उसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। एक तरफा हो जाट चूँकि तो 1% वोट मान लो, जो पहली बार तो कटने की नहीं, 99% तो जाट पक्के है ही है। तो अब की बार क्या करेंगे या बीजेपी जीतेगी? हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।